चलिए स्टार्ट करिए। बताइए इसके बारे में कुछ फंक्शन। सर क्या है रिवर वाटर क्लीनिंग प्रोजेक्ट? सर ये प्रोजेक्ट जो हम लोगों का दो पार्ट में वर्क करता है, पहला है ये बोट और सेकंड है यहाँ इसका जो कि ये एलिवेटर की तरह है, तो ये पूरा कचरा उठा लेगा। तो सबसे पहले हम लोग बोट के मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। तो बोट के मैकेनिज्म में पीछे एक मोटर लगा हुआ है तो जो कि एक फैन के साथ लगा हुआ है जो कि हम लोग के बोट को आगे ढकेलेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने दो और मोटर लगाए हैं और जो कि जो हमारे बोट को मूव करने में हेल्प करेगा, तो जिससे हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आगे का मूव करेगा ये पीछे का मूव, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हम लोगों का जो है ये एक एलिवेटर की तरह काम करेगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए ये पानी के अंदर इतना है, तो यहाँ पे जो भी कचरा है वो इसको यहाँ से ऐसे उठा के ये बोट में हम लोगों के इकट्ठा हो जाएगा। और ये एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होगा, इसीलिए हम लोग किसी पर्सन को इसमें बैठ के कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि ये बोट जैसे कि गार्बेज कलेक्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्शन करेगा, तो इसलिए ये बोट रिमोट से कंट्रोल होगा। अच्छा, इसका नाम क्या आपने बताया? इसका नाम है रिवर वाटर क्लीनिंग प्रोजेक्ट। और ये आइडिया कहाँ से है आपको? ये आइडिया हम लोग को आया, हम लोग के पास, हम लोग के घर के पास में एक रिवर है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक फेंका जाता है उस रिवर में, तो जिससे कि एनिमल्स वाटर को ड्रिंक करके बहुत ज्यादा उसमें उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और वो मर जाते हैं। हमने एक बफेलो को देखा था जो कि बफेलो ने प्लास्टिक खा लिया था तो वो डेथ हो गई थी, तो उसी से हम लोग सोचे कि कुछ ऐसा किया जाए जैसे कि वहाँ का जो प्लास्टिक है वो किसी तरीके से कलेक्ट हो जाए और वहाँ पे जितने भी एनिमल हैं वो बच जाए। और जैसे कि हम लोग गंगा रिवर में भी देख ही रहे हैं कि इतना ज़्यादा डे बाय डे पॉल्यूटेड है, और वहाँ का पानी जितना भी वो एक हमारा होली रिवर है तो उसमें का वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो हम लोग उसका यूज़ ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। और जो रिवर है वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है, सो इसका पॉल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत हार्मफुल है, जैसे कि फिश और जो स्मॉल क्रिएचर्स जो वाटर में रहते हैं। और हम लोग बचे हुए जो प्लास्टिक कलेक्ट होगा उसको हम लोग सेपरेट करके और सारी जो ऑर्गेनिक चीज़ है उससे सेपरेट करके उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके और हम लोग और अदर चीज़ भी बना सकते हैं। क्या इसे हम बड़े स्केल पे यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको हम बड़े स्केल पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ इसके फंक्शन के बारे में बताएंगे जो सेपरेट फंक्शन कर सके, जो ये मोटर वोटर कैसे चल रहा है और ये कैसे गार्बेज उठाएगा? तो सबसे पहले पीछे यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, इसको थोड़ा पास में लाकर दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है। ठीक है, चाहे बताइए कि इसका फंक्शन क्या है और इसको सेपरेट जो फंक्शन इसका हो रहा है वो हमको बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले सर नीचे एक फैन लगा हुआ है, उसके साथ एक मोटर है, तो ये जब प्रोपेलर ये जब घूमेगा तो ये जो बोट है इसको आगे मूव फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दो और गियर मोटर लगाए हुए हैं जो कि ये आगे चलेगा और ये पीछे चलेगा, तो ये पानी काट के इस रिमोट की मदद से हम लोगों का डायरेक्शन चेंज होगा। और डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, पहले हमें डायरेक्शन चेंज करके बता दीजिए। देखिए सर, जैसे कि ये फैन ऑटोमेटिक है तो हम लोग ये पहले स्विच ऑन करेंगे तो ये फैन ऑटोमेटिक चलने लगेगा। फैन चल रहा है क्या? यस फैन देख सकते हैं चल रहा है। और फिर यहाँ पे देखिए दो मोटर है, गियर मोटर, और इसको हमने इससे कनेक्ट किया, अंदर हम लोगों ने रिमोट कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ है, तो देखिए ये आगे चलेगा और ये पीछे चलेगा, तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा और ये पीछे चलेगा वो आगे चलेगा, तो कुछ ऐसे देखिए जैसे हम लोग आपको दिखा सकते हैं। तो इसको इस पे थोड़ा सा चला कर देखिए, तो देखिए सर ये फैन सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने इसको रख दिया, फैन बंद कर सकते। हम थोड़ा सा बस मुड़ना जो मुड़ रहा है ना उसको चेक करना चाहते हैं। तो हमने पहले ये डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अभी हम लोग इसका यूज़ सबसे पहले ये देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ये रिमोट बाय रिमोट है? यस बाय रिमोट है, देख सकते हैं। सेंसर लगाए होंगे फिर? यस सर, रिमोट कंट्रोल डिवाइस। अच्छा, रिमोट कंट्रोल डिवाइस है, ओके। और इसके आगे हम लोगों ने एक एलिवेटर लगा हुआ है जो कि यहाँ से कचरा। ये एलिवेटर किस चीज़ का है? ये एलिवेटर नेट, ये नेट है
और यहाँ पे हम लोगों ने जुगाड़ करके टायर वायर को काट के इसे एक पाइप की शेप दिया है और यहाँ पे टायर, इसके अंदर टायर है क्या? नो सर, ये प्लास्टिक स्ट्रिप्स हैं। टायर के ऊपर का काट के हम लोगों ने इसके ऊपर प्लास्टिक स्ट्रिप लगा के और यहाँ पे ग्रिप देने के लिए छोटे छोटे पीस, मतलब छोटा छोटा वहाँ पे हम लोगों ने ग्लू स्टिक हॉट ग्लू गन लगाया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये नेट है और यहाँ पे एक हम लोगों ने लगाया जो पुली फ्री है, पुली पुली में हम लोगों ने स्ट्रिप कनेक्ट करके प्लास्टिक स्ट्रिप हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड किया है। देखिए देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है, ये भी बिल्कुल। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कि जब ये राउंड लेगा तो टूट जाएगा? नो सर, नहीं बिल्कुल नहीं टूटेगा। अच्छा अच्छा, ये एकदम सही वर्क करेगा। इसको एक बार थोड़ा चला के दिखाइए तो। ओके स्टार्ट करिए। देखिए सर, सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया तो अभी हम लोग इसको चला के दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये चलेगा तो ये ऐसे उठाएगा, देख सकते हैं सर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको चला देते हैं तो देखिए ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही कचड़ा यहाँ पे आएगा तो ये कचड़े को ऊपर, ऐसे देखिए यहाँ है, ये ऐसे कचड़े को ऊपर भेज देगा। देखिए जैसे यहाँ पे है तो कंटिन्यू चलाइए कुछ टाइम तक। देखिए सर ऐसे जैसे ही होगा ये कचड़े को ऊपर भेज देगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, वहाँ पे वो छोटे छोटे पीस लाएंगे पेपर के। देखिए सबसे पहले ये या कचड़ा ये पानी में इतना डूबा रहेगा। अच्छा, ये सर इसका कुछ सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा पार्ट इसका डूबा रहेगा, कुछ सेंटीमीटर इसके पानी में रहेंगे। जैसे कि हम लोग का गार्बेज आए तो ये पूरा ऊपर ट्रेवल करके जो बॉक्स है उसके अंदर गिरा देंगे। जैसे कि हम लोग जैसे कि पीस ऑफ पेपर है तो इसको हम लोग चलाएंगे सर, ये ऐसे करके ये ले जाके देखिए बोर्डिंग हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कलेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी बेसिस पर हम लोग काम करेगा और जितने भी प्लास्टिक है वो सब कलेक्ट करेगा। ये गियर मोटर है तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने एक यहाँ पे प्लास्टिक के स्ट्रिप से इसको एक सिलेंडर का शेप दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने ग्लू गन से कुछ कुछ डॉट्स लगाए, डॉट्स लगाए ताकि ये ग्रिप के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने दो, मतलब इससे ग्रिप हो रहा है क्या? हाँ, इससे देख सकते हैं सर यहाँ पे डॉट डॉट है तो इससे ग्रिप हो रहा है, ग्रिप हो रहा है। ओके, और सर यहाँ पे हम लोगों ने दो पुली का यूज किया और बीच में पूरे स्ट्रिप लगा दिया और ये बिल्कुल फ्री है, ये किसी मोटर से नहीं चल रहा है, ये इसके हेल्प से चल रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पे बस पुली लगा है, यहाँ पे कोई मोटर वोटर नहीं है? नो सर, यहाँ पे बिल्कुल कोई मोटर नहीं है। और सर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिप हम लोग दो स्ट्रिप हम लोगों ने ऐड की बताएंगे प्लीज। अच्छा ये बताइए कि ये जो चक्का है इसका है, इसमें जो है कि आपने ये लगाया तो ये क्यों लगाया, मतलब ऐसा क्यों लगाया है, यानी कि ब्लेड टाइप का ऐसा लगाए हैं आप इसको, यानी कि सिलेंडर टाइप को फैला सकते थे? सर हम लोग स्ट्रिप्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये पानी को कट करके और इसको इजीली मूव करने में हेल्प करेगा। अगर हम लोग सिलेंडर लगाते हैं तो वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है और वो मूव नहीं करता। अच्छा अच्छा, और सर ये जब आगे चलेगा और ये पीछे चलेगा तो ये कुछ डायरेक्शन डायरेक्शन ऐसे चेंज होगा। और अच्छा, जब ये जो ब्लेड टाइप का है इसके वजह से जो है डायरेक्शन चेंज होगा, ये सर पानी को पीछे, अगर सिलेंडर वाइज ऐसा होता तो ये डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि इसके अंदर क्या मतलब कुछ फंक्शन है? इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने रिमोट से कंट्रोलेबल डिवाइस लगाया, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक और एंटीना निकला हुआ है और यहाँ पे हम लोग का रिमोट है। इसके अंदर एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है और हम लोगों ने इसके अंदर 2 लिथियम आयन सेल को ऐड करके ऐड किया है। कौन सा? लिथियम आयन सेल, जो LG की बैटरी आती है वो। और इसके अंदर और बहुत सारे सेंसर हैं जो कि हम लोग के वर्क करेंगे और बहुत सारे वायर। ये मतलब कैसा एंटीना है? और कुछ? और कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये पानी में जाएगा तो फिर उसमें डिस्टर्ब होगा? ये हम लोगों का वाटर प्रूफ पेंट है जो कि पानी आते ही पानी के जैसे बह के चल जाएगा। और इसको क्या इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं? 2-4 दिन तक के लिए अगर यूज कर सकते हैं? और हमारा मोटर्स और व्हील ये सब भी वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें? नो सर, वायर अच्छा, ये जो लग रहा है इसे पेपर टाइप लग रहा है तो पेपर टेप टाइप, तो इसमें यानी कि पानी तो डिस्टर्ब करेगा इसको? नो सर, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जो पेपर टेप है इसके ऊपर एक मटेरियल होता है जो कि पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है और ये पानी को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसी वजह से ये भीगेगा नहीं। अच्छा अच्छा, और इसको बनाने में मतलब कितना कॉस्ट आया होगा? समथिंग अराउंड 2000।
अच्छा, जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो इसके बारे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सर, ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। ये जब भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा, बेस्ट करेगा और वहाँ की सारी प्लास्टिक को क्लीन कर देगा ताकि हमारा सारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे। और क्योंकि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर रिवर, लेक सी है। अच्छा, सपोज करें कि ये आपको प्रोजेक्ट जो है सेलेक्ट हो गया तो आपके लिए सही रहेगा। अगर यानी सेलेक्ट नहीं हुआ, किसी और का प्रोजेक्ट जो है कि आप लोगों से बेहतर जाए, तो फिर आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? तो फिर हम लोग अगले साल अपना बेस्ट और बेस्ट ट्राई करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा पीछे दिखाइए तो इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसके पीछे देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने वायरिंग किया है, ये मोटर से वायरिंग किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने हॉट ग्लू गन और एक टेप भी मार दिया ताकि ये टूटे ना। और यहाँ पे हॉट ग्लू गन से इसको फिक्स कर दिया। और यहाँ से हम लोगों ने पूरी वायरिंग करके पूरी इधर से कनेक्ट करके फिर अंदर LG बैटरी से कनेक्ट किया है। अच्छा अच्छा, इसको बनाने में आप लोगों को कितना टाइम लगा? सर, अराउंड 3 डेज हमें लगे हैं। और हम लोगों ने 3 डेज में इसके ऊपर 8 आवर काम किया है। 8 आवर पर डे? यस। टोटल यानी कि 12-13 घंटा हम मान लेते हैं। 12-13 घंटा के अंतर्गत जो है कि इस प्रोजेक्ट को आपने तैयार किया है। तो ये प्रोजेक्ट यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयार किए हैं या फिर लगा है 2-3 पार्ट? नो सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तैयार हुआ है, ना 2-3 अटेम्प्ट में। इसको बनाने में हम लोगों को अराउंड 8 अटेम्प्ट। वैसे तो यानी कि जनरली अगर कोई भी इंसान कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ भी खोजता है, रिसर्च करता है, 1-2 यानी कर लेता तो थक जाता है, अपने आप को हताश निराश मान लेता है। हम लोग के साथ भी यही हुआ था, लेकिन हम लोगों के पापा ने बोला कि तुम लोग करते रहो। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 टाइम फेल हुए थे, तब जाके बल्ब तैयार हुआ था, तब जाके बल्ब इन्वेंशन लिया और हम लोगों ने इसको 8 अटेम्प्ट में कम्प्लीट कर दिया। ओके, सही है। अच्छा चलो ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट के साथ ही साथ यानी कि लोगों को और कुछ सीख देना चाहते हैं? यस सर, दैट नॉट टू थ्रो गार्बेज इन द रिवर्स एंड लेक्स। सो हमें जो रिवर्स होती हैं उसमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा अच्छा, और कुछ मतलब कि ऐसा कुछ इंस्पिरेशन दीजिए जिससे लोगों के माइंड में ये आए कि हम कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट और तैयार करें। क्या इस प्रोजेक्ट के जैसा कोई आपके माइंड में और प्रोजेक्ट है जो कि यानी कि हमारे पब्लिक के लिए यानी कि फायदेमंद हो? यस सर, जैसे कि वाटर पोल्यूशन था तो हमने ये गैजेट बनाया। और हम लोग देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन भी डे बाई डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग उस पर भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो गाड़ी में गाड़ी से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के कंपाउंड क्या निकलता है गाड़ी में से, धुएं में से ना? यस सर, गाड़ी के धुएं में से, इंजन में से, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के और अदर कंपाउंड जो कि हम लोग के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं कि इतने चीप कॉस्ट में बनाए कि सब कोई अफोर्ड कर सके और उसको सब लोग अपने गाड़ी में यूज़ कर सके और उससे हम लोग का एनवायरनमेंट में एयर जो है पॉल्यूट ना। अच्छा अच्छा, और इसके बारे में क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे और लोगों को अगर वो इस प्रकार का अगर लोग इस प्रकार का यानी कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं तो उनके बारे में क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? इनके बारे में हम लोग ये मोटिवेशन देना चाहेंगे कि कभी ट्राई करना ना छोड़े और हमेशा ट्राई करते रहें और कभी फेल होने पे अपने आप को कोसे ना और देखें, अपनी गलतियों से सीखें कि आपने क्या गलती किया है और अगली बार अपना बेस्ट ट्राई करें। ओके, अच्छा, लाइफ में आगे मतलब कि और क्या क्या आपकी करने की उम्मीदें हैं? लाइफ में हम लोगों को और बहुत सारे गैजेट्स बनाने हैं, जैसे कि एयर के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाने लगे और प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में जो है कि अपने पढ़ाई को जो है कि बैक ले लें? नो सर, ये प्रोजेक्ट जो हम लोग बना रहे थे तो हम लोग साथ साथ अपना पढ़ाई भी कर रहे थे। मतलब हम लोग ऐसा टाइम मैनेजमेंट ऐसा रख रहे थे कि हमारा पढ़ाई भी हो सके और प्रोजेक्ट भी बन सके और हमारा मतलब कि स्टूडेंट बैकलॉग ना लगे। स्टूडेंट जो है कि अगर इनकी जैसे प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें इनको उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बिना इंटरेस्ट का तो ये प्रोजेक्ट तैयार होगा नहीं। यस सर। और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो यानी कि जाहिर सी बात है कि उसकी जो पढ़ाई है वो डिक्रीज होती है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप एक फिक्स टाइम बना लो। मान लो कि अगर जैसा गोल है आपका, जैसा प्रोजेक्ट है, तो मान लो आप एक दिन का 1 घंटा दे दो, तो आप ये सेट कर लो कि बस दिन का 1 ही घंटा देना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो धीरे धीरे करके आपका प्रोजेक्ट भी बन जाएगा और अपनी पढ़ाई भी। आपको आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, बस कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखें तो हमारी पढ़ाई में बैकलॉग ना लगे। अच्छा, तो मतलब कि हमारा जो है ना कि भारत देश है,
या फिर जो हमारा भी जो भी देश है, तो उस देश में इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने के लिए नहीं सहयोग देते हैं। यस, तो इसमें इनकी इसके बारे में आप क्या कहना है? सर, हम लोग ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जिससे कि हम लोग का जो भारत है उसको क्लीन किया जा सके, पूरे वर्ल्ड को क्लीन किया जा सके। जैसे कि अभी देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट है बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है कि कैसे इंडिया को क्लीन रखा जाए। तो हम लोग ऐसे छोटी मोटी प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को हिंट दे सकते हैं, गवर्नमेंट का हेल्प कर सकते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट बनाए तो हमारा एनवायरमेंट क्लीन एंड सेफ रहेगा। अच्छा, तो आप यानी कि गवर्नमेंट से क्या मतलब कि एस्पेक्ट रखते हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट अगर देखे तो उनसे कुछ उम्मीदें हैं आप लोग की? यस सर, हम लोग गवर्नमेंट जो है उसको बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट देखेगा तो बोलेगा कि ये सब प्रोजेक्ट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वो हम लोगों को और ज़्यादा मनी देगा और बजट देगा, तो बजट देगा तो हम लोग और प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, तो मतलब इसको अच्छे लेवल पे तैयार कर सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए, वैसे ओवरऑल जो आपको प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया है और मेरी कामना ये है कि आप लोग आगे जो है कि लाइफ में सक्सेस होए। थैंक यू सर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।